गुड मॉर्निंग यूट्यूब। और अभी देख रहे हो क्या हवाएं चल रही है, क्या वेदर है भाई, ना बारिश दे रही है ना धूप दे रही है, परफेक्ट, पूरी परफेक्ट राइडिंग वेदर हो रही है अभी। और थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने राइडिंग जैकेट पहना है, तो गर्मी तो कंपलसरी है, गर्मी तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो वेदर हो रही है ना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो रही है। और मैंने अभी माइक पे अपना जो विंड कैंसलेशन जो एक कवर रहती है ना, वो लगाया नहीं है, इसलिए शायद ही आवाज़ जो है फट रही है या फटेगी, मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि फटती है। लास्ट व्लॉग में आवाज़ ऐसे रिकॉर्डिंग किया ना, तो उस पर आवाज़ थोड़ी सी फट रही थी और उसमें साउंड जो है वो एकदम वैसी साउंड नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो आज। अभी जाके मैं इसे शॉर्ट आउट कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं चलते हुए इसे शॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा। और सीरियसली भाई, ये जो वेदर हो रही है ना, एकदम लिटरली कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सही हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी आज राइड करके। और अभी राइड करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ असम यूनिवर्सिटी। अगर परफेक्ट वेदर मिले ना, तो राइड करके और व्लॉग करके, दोनों करके मज़ा आता है। अभी पहुँच गया हूँ मैं सिद्धेश्वर मंदिर, हर हर महादेव। और वेदर भाई साहब एक नंबर हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अगर बारिश है तो चार चांद लग जाएंगे। अभी के सीजन पे देखो हर जगह बस ग्रीन ही ग्रीन, इधर फूल उधर फूल, उधर फूल, हर जगह बस फूल ही फूल होता है। ये देखो भाई साहब, तो इतना क्यों पीना यार, जो चल ही नहीं पाओगे, बताओ मुझे। वाह क्या सीन हो रही है भाई, सिंकिंग गो स्लो, ये सही है, लेकिन ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सिंक करती है, हमेशा साल में दो तीन बार सिंक करती है, बारिश के टाइम पे सिंक होती है या ऐसे ही सिंक हो जाती है, ऐसे ही धस जाती है गाड़ी चलते चलते। ये एरिया ऐसे बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार इसे रिपेयर करोगे ठीक नहीं है, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर लगा दो तब जाकर ठीक होगी, लेकिन फ्लाईओवर देगा कौन।
Okay, all right. So good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel. मैंने व्लॉग बीच में छोड़ दिया था क्योंकि ये असम यूनिवर्सिटी इसके अंदर जाना था लेकिन नहीं गया, थोड़ा काम में ज़्यादा अभी जो कि बारिश आ गई, इसलिए मैं यहाँ घूम नहीं सकता। और अभी तो असम यूनिवर्सिटी आने का और यहाँ एक व्लॉग बनाने का मैंने सोचा था क्योंकि यहाँ इस एरिया पे जो नेचर है ना वो अलग से निखर के आती है और बारिश के बाद तो और ख़तरनाक होती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर बारिश देने से पहले मैं यहाँ शूट कर लूँ। मैं सोच रहा था कि यार मैं काम करते करते बारिश दे देगा यहाँ, लेकिन यहाँ बारिश नहीं दिया, तो फिर भी यह बारिश देने वाला है, यहाँ बारिश नहीं, फिर भी ये जगह अभी भी अच्छी लग रही, लेकिन बारिश के बाद ये जगह मतलब चार चांद लग जाते हैं जगह पर, बहुत ही बढ़िया लगती है ये जगह। और अभी लगभग हो रहा है टाइम 5 बजने वाला है, मतलब 4:49 जगह देखो कितनी सही दिख रही, कितनी सही दिख रही है जगह, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कभी भी सिलचर आओ और इस एरिया पे नहीं आओ, अगर कोई राइडर हो जगह देखना चाहते हो तो इस एरिया पे ज़रूर आ पाओगे। ये एरिया पड़ता है असम यूनिवर्सिटी कहने से, मतलब सभी को पता ही असम यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ता है, सिलचर में। तो सिलचर में असम यूनिवर्सिटी पे और असम यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सही से सिनारी दिख जाती है, जहाँ शायद शादी हो रही है तो इसलिए यहाँ लाइट वगैरह लगी है, डेकोरेशन वगैरह करी है। और आज देखो फूल कितना खूबसूरत है, फूल कलर देख रहे हो, पर्पल कलर हो रही है, पूरी सही दिख रही है। देखो ये रास्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अभी ये वेदर की वजह से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन धूप पड़ने पर ये जगह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ पैदल चलना मतलब मुश्किल सा हो जाता है, इतनी धूप पड़ती है। देखो इस फूल का नाम मुझे नहीं पता, इस पेड़ का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, हर एक जगह पे ये ही मिलेगी। बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत हो रही है। बारिश देने से पहले अगर मैं घर घुस सकूँ तो बेस्ट होगी, क्योंकि मेरे घर पे बाइक चढ़ने की, बाइक रखने के लिए जो अप है ना उस पर प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, बाइक चढ़ती नहीं है क्योंकि टायर स्किट कर जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो बारिश हो इससे पहले कि मैं घर पहुँचाऊँ, यही मेरी ख्वाहिश है अभी के लिए, मेरे टारगेट तो वो ये देखता मैं ये सही ढंग से आराम से या कैसे भी कंप्लीट कर पाऊँ। इस पेड़ की बात कर रहा हूँ, एकदम सही यार, पर्पल कलर में एकदम अच्छी दिखती है। मत करवाना प्रभु, ये एरिया ना बहुत सबसे नेचर लवर के लिए ये जन्नत है। आज कुछ देर के अंदर ही अभी दवाई वाली बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो अपने को घर से कॉल करके बोल रहे कि शायद न्यूज़ में देरी होएंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाओ घर, कभी भी बारिश हो सकती है और वो भी तूफान, कभी भी तूफान आ सकती है, तो चले जल्दी घर आ जाओ।
और GoPro में चार्ज थोड़ी सी कम है, पता नहीं कहाँ तक रिकॉर्ड होएगी, लेकिन सुकून मिल रही है यार, बहुत सुकून मिल रही। আমি বদরপুর, হ্যাঁ 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 দে টোল টায়ার এইট এইট, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, চেনার নাম কি? আমার মোবাইলটা কষ্ট, একটা কাজ করো ইনস্টাগ্রামে আমার দিয়ে দিও, হ্যাঁ হ্যাঁ টায়ার আচ্ছা আচ্ছা, আমার মোবাইল নাম্বার তোমার ইউটিউব চ্যানেলটা দিয়ে দিও, তোমার ইউটিউব চ্যানেলটা দিয়ে দিও, আমার হোয়াটসঅ্যাপে দিলাম, আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে আমার তো। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিও, নাম তো চাই দেবো জাস্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ মাইক বয়া।